अयोध्या को झांकी थी मथुरा वासी का। देश भर में हिंदू राष्ट्र के हुंकार भरने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी कथा और प्रवचन के जरिए सनातन की अलख जगा रहे हैं। इसी कड़ी में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कान्हा की नगरी वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने ठाकुर देवकीनंदन महाराज के साथ प्रियकांत जू मंदिर में चल रहे पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम में शिरकत की, भोलेनाथ का अभिषेक किया, पूजन किया। भगवान राम और हनुमान के नाम पर सनातन का झंडा बुलंद करने वाले बाबा बागेश्वर ब्रज में शिव भक्ति में डूबे दिखे। उन्होंने कहा कि शिवमय होकर राम कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। पत्रकारों ने जब बाबा से कृष्ण मंदिर को लेकर सवाल किया तो बाबा ने कहा कि आगरा जामा मस्जिद से केशव देव विग्रह को वापस लाया जाएगा। भगवान राम जी की तरह ठाकुर जी भी बाहर निकल कर आएंगे और सबकी आंखें खुली की खुली रहेंगी। कृष्ण भक्तों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा जामा मस्जिद की सीढ़ियों में से भगवान कब आएंगे? बहुत जल्दी हमारे दादा भैया लगे, पूज्य ज्येष्ठ भ्राता श्री लगे, भगवान भूतभावन महादेव के पार्थिव शिवलिंग यह अनुष्ठान और अष्टोत्तर शत ब्राह्मण अष्टोत्तर शत पाठ श्रीमद् भागवत के मूल पायन ब्राह्मणों द्वारा इसीलिए करवाए जा रहे हैं कि भगवान कन्हैया जल्दी से जल्दी बाहर निकल कर आए और सबकी आंखें राम मंदिर की भांति खुल जाए। इशारों ही इशारों में बाबा बहुत कुछ कह गए। बाबा ने कहा कि सनातनी जाग रहे हैं, ब्रजवासी जाग रहे हैं, मतलब साफ है कि अयोध्या के राम मंदिर की तरह मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर बने। इतना ही नहीं, बाबा ने यह भी कहा कि बाबा विश्वनाथ नगरी की तरह यहाँ भी बांके बिहारी का कॉरिडोर बनना चाहिए। हमारे हिसाब से तो वहाँ का जो विश्वनाथ जी के मंदिर का कार्य हुआ जैसे, वैसे ही यहाँ बांके बिहारी का कार्य अगर हो जावे व्यापक रूप से भक्तों के लिए श्रद्धालुओं के लिए अति प्रसन्न। पत्रकारों ने जब अगला सवाल किया कि बाबा बताइए कृष्ण मंदिर में भूमिका आपकी क्या रहेगी, तो बाबा ने दो टूक कहा कि जब मंदिर निर्माण के काम में सबसे आगे रहूंगा। जन्मभूमि में आपका क्या सहयोग रहेगा? पूर्ण आगे, सबसे आगे क्या सहयोग रहेगा आप ये पूछ रहे हैं, आप अपना बताओ आपका क्या रहेगा? मानते हैं इतना लंबा समय हो गया आज तक, देखिए सब ठाकुर जी की ही लीला है, समय चक्र है। अब सनातनी हिंदू जाग रहे हैं, सभी कृष्ण भक्त एकत्रित हो रहे हैं, ब्रजवासी भी एकत्रित हो रहे हैं और पूज्य ज्येष्ठ भ्राता श्री के नेतृत्व में सब संतों के आशीर्वाद से बहुत जल्दी अब ये इंतजार खत्म होने वाला है। ये मंदिर कब बनेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने देवकीनंदन महाराज के साथ विधिवत भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इसी दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने देवकीनंदन महाराज की तारीफ करते हुए कहा कि बांके बिहारी के बाद किसी से स्नेह है तो हमारे बड़े भाई यानी देवकीनंदन जी हैं। अभी जब बोल रहे थे कि हम जो है बड़ी मुश्किल से आए, न जाने कितनी कितनी भजाई कर रहे थे, अभी तो हम सच बता रहे हैं बांके बिहारी के बाद हमारा किसी से नेह है ज्येष्ठ भ्राता श्री परम पूज्य अनंत श्री भूषित अनुपुर वाले महाराज जी कहते हैं ब्रज का कोई एक ब्रजवासी अगर आपको स्वीकार कर ले तो मानना साक्षात ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया। श्री कृष्ण की जन्मभूमि से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अब समय भागने का नहीं बल्कि जागने का है। सभी सनातनी अपने सनातन चिन्ह को कर लेंगे। जिस दिन मात्र 25 करोड़ सनातनी हिंदू अपने मस्तक पर तिलक लगाकर चलना शुरू कर देंगे, भारतीय हिंदू राष्ट्र की तस्वीर दिखनी शुरू हो जाएगी।
राष्ट्र के होंगे। बाबा का दिव्य दरबार और भक्तों की भीड़ अपार। 19 अगस्त को ये सीन नेपाल में दिखेगा। 3 दिन तक वहां दिव्य दरबार सजेगा। अर्जी लगा रहे लोगों की बाबा पर्ची निकालेंगे। इसके लिए नेपाल के बुटवल नारायण घाट मार्ग स्थित देव चूली में पंडाल सज चुका है, जिसे देखते हुए भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।